गाइस आज के गैजेट्स की बात करें तो इनमें शामिल है बाइकर्स के लिए एक कूल गैजेट, एक बहुत ही छोटा सा कीचेन, गेमिंग कंसोल एंड और भी काफी कुछ। तो हम बढ़ते हैं इन एडवांस्ड एंड ऑसम गैजेट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। एंड हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो दोस्तों आज नंबर वन पर होने वाला है थम्बी। अपने फ्री टाइम में या फिर एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेलना भला किसे पसंद नहीं है, लेकिन सोचिए एक ऐसा छोटा सा गेम सिस्टम जिसे आप लगा सके अपने कीचेन में और जब चाहे इसमें अपने फेवरेट उन रेट्रो गेम्स का मजा ले सके जिन्हें हम बचपन में खूब खेला करते थे। तो थम्बी एक ऐसा ही गेमिंग गैजेट है। इसका साइज होता है सिर्फ आपके थंब के बराबर एंड ये आता है एक ब्राइट ओलेड डिस्प्ले के साथ। गेम्स खेलने के लिए इसमें रहता है एक 4-way D-pad और 2 गेम प्ले बटन्स। इसमें 5 रेट्रो गेम्स तो पहले से ही प्रीलोडेड होते हैं। थम्बी को आप अपने किचन में लगाकर हमेशा अपने साथ रख सकते हैं ताकि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या गेम्स वगैरह खेलने का मन करे तो थम्बी में आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। देखा जाए गाइस तो इतने छोटे से गेमिंग डिवाइस में गेम खेलने का अपना एक अलग ही मजा होता है। तो थम्बी से आप जब एंड जहां चाहे अपने फेवरेट रेट्रो गेम्स का मजा ले सकते हैं। कटकैम। अब गाइज ये गैजेट लगभग हर किसी के लिए बेहद यूजफुल हो सकता है, खासकर बॉयज के लिए। हम लगभग हर महीने ही हेयर कट कराते हैं। खुद से हम हेयर कट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक तो हमें हेयर कट करना आता ही नहीं है एंड दूसरा साइड के एंड पीछे की साइड जब हम हेयर कट करेंगे तो वो हमें दिखेगा कैसे। तो इस चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन है कटकैम। इसकी मदद से आप प्रो लेवल के सेल्फ हेयर कट्स कर सकते हैं। ये होता है हेयर क्लिपर जिसमें की एक रियर व्यू कैमरा लगा होता है जिसकी मदद से आप अपने साइड के एंड पीछे के बाल कट करते टाइम उन्हें सीधे अपने स्मार्टफोन पर देख पाएंगे। इसकी मदद से आप जब एंड जहां चाहें खुद को एक फ्रेश हेयर कट दे सकते हैं। देखा जाए तो एक तरह से ये आपका पर्सनल बार्बर होगा जो कि 24/7 आपके लिए रहेगा अवेलेबल। अब अगर आप सोचेंगे कि आप खुद हेयर कट करेंगे कैसे क्योंकि आपको तो ये आता ही नहीं है, तो आपको बता दूंगा इसके ऐप में आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के लिए जिसकी मदद से आप बहुत इजीली खुद को न्यू एंड फ्रेश हेयर कट्स दे पाएंगे। बहुत सारी हेयर स्टाइल्स में से आप जो भी हेयर स्टाइल चाहे वो ट्राई कर सकते हैं एंड इससे आपके पैसे भी बचेंगे एंड टाइम भी। हेड टूथ प्रो। अगर आप एक मोटरसाइकिल राइडर हैं या फिर आप ग्रुप में बाइक राइडिंग करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो हेड टूथ प्रो आपके लिए ही बना है। ये मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए बनाया गया एक ग्रुप वॉइस चैट डिवाइस है जो कि दे देता है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, वो भी 5 किलोमीटर की रेंज में। ये एक हेलमेट कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें की होता है MUC सिस्टम जो की एक वॉकी टॉकी पर बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसे आपको सिंपली लगा लेना होगा अपने हेलमेट में और फिर इससे आप अपने बाइकर ग्रुप के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे राइडिंग के दौरान। दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ काफी सारी दिक्कतें आती हैं जैसे कि बेकार साउंड क्वालिटी, अनस्टेबल कनेक्शंस और भी काफी कुछ, लेकिन बात करें हेड टूथ प्रो की तो इसमें ऑडियो तो क्रिस्टल क्लियर होता ही है, साथ ही इसकी कम्युनिकेशन रेंज भी काफी ज्यादा होती है। इसमें रहते हैं 2 हाईफाई HD स्पीकर्स एंड वाइब्रेशन वूफर स्पीकर जिसके चलते इसमें आता है क्रिस्टल क्लियर सराउंड साउंड ऑडियो। हेड टूथ प्रो हर तरह के हेलमेट पर लगाया जा सकता है तो मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए है टूथ प्रो काफी ज्यादा काम का कम्युनिकेशन डिवाइस हो जाता है। मिनी पपर। ये एक छोटा सा ओपन सोर्स रोबोट डॉग है गाइस। एक छोटे से डॉगी जैसा दिखने वाला ये क्वाड्रोपेड रोबोट चल सकता है, हॉप कर सकता है। खासकर उन लोगों के लिए ये काफी सही रहेगा जिन्हें रोबोटिक्स में दिलचस्पी है। इसकी मदद से आप रोबोटिक्स में चीजें लर्न कर सकते हैं, इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और इस डायनामिक रोबोट के एडवांस्ड फंक्शंस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये अपने सिंगल कैमरा सेंसर की मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। अगर इसे आप घर में छोड़ देंगे तो ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर तो करेगा ही, साथ ही अपने आसपास मौजूद चीजों से सीखेगा भी। इसमें आगे की तरफ रहती है एक छोटी सी स्क्रीन जिसमें कि आपको मिनी पपर की आईज दिखाई देंगी। रोबोटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी मिनी पपर काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल साबित हो सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है रोबोट्स एंड रोबोटिक्स में तो मिनी पपर आपको भी बेहद पसंद आएगा। रिवाइव नी प्लस। ये दुनिया का पहला लाइट थेरेपी डिवाइस है जो कि खास बनाया गया है नीज के लिए। कई लोगों की नीज में अक्सर पेन या ऐसी ही बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जिससे उन्हें उठने बैठने के साथ साथ चलने फिरने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बात करें रिवाइव नी प्लस की तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन लेजर्स मौजूद होती है जो की ज्वाइंट एंड मसल्स में बेटर पेनेट्रेशन प्रोवाइड कर देती है कम्पेयर टू LED ओनली थेरेपी। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन के चलते ये साइज में भी काफी छोटा रहता है एंड हो जाता है पोर्टेबल।
इसे बस आपको नीज पर पहन लेना होगा एंड ये पेन वाले हिस्से को टारगेट करके उससे फास्ट एंड इफेक्टिव रिलीफ दे देता है। देखा जाए तो इसके चलते आपको थेरेपी के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा किसी डॉक्टर वगैरह के पास, बल्कि नी प्लस से आप घर बैठे ही थेरेपी करके अपने नीज के पेन में रिलीफ पा सकते हैं। फायर टावर। कैंपिंग एंड ट्रिप्स वगैरह पर जाते वक्त खाना पकाने के लिए एक स्टोव की जरूरत तो पड़ ही जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल स्टोव्स का साइज बहुत बड़ा रहता है। ऐसे में गाइस आप यूज कर सकते हैं फायर टावर का, जो कि एक एफिशिएंट फोल्डिंग रॉकेट स्टोव है। ये अपने कई सारे पार्ट्स में अलग हो जाता है। इसके इन पार्ट्स को अलग अलग करके इसके छोटे से बैग में रखकर आप इसे काफी आसानी से काफी आराम से कैरी कर सकते हैं अपने साथ। एंड जब भी आपको जरूरत हो स्टोव की, सिंपली इन पार्ट्स को असेंबल करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसे असेंबल करना भी बहुत ही ईजी होता है। इस पर आप छोटे से लेकर बड़े किसी भी साइज के बर्तन को रखकर उस पे आराम से कुकिंग कर सकते हैं। कैंपिंग, पिकनिक एंड आउटडोर एडवेंचर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट रहता है अपने कॉम्पैक्ट साइज के चलते। यूज हो जाने के बाद आप वापस से इसके पार्ट्स को अलग करके उन्हें इसके बैग में रखकर आराम से एक छोटे से स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। सोल। सुबह आँख खुलने से लेकर रात में सोने तक हम अपने आसपास पूरा दिन ही एक शोर शराबे वाले माहौल में घिरे रहते हैं। गाड़ियों का शोर, मशीन्स की तेज आवाज, यही सब। ऐसे में जब कभी हम नेचर के बीच शांत माहौल में बैठते हैं तो उसके कामिंग साउंड सुनकर काफी रिलैक्स्ड फील होता है। और यहीं पर आ जाता है सोल नाम का ये डिवाइस। इस डिवाइस से आप घर बैठे ही नेचर के उन रिलैक्सिंग साउंड्स को सुन सकते हैं और पा सकते हैं पीस ऑफ माइंड। सोल में 250 से भी ज्यादा नेचर के मिक्स्ड साउंड्स मिल जाते हैं। ये एक तरह का एम्बिएंट साउंड जनरेटर है जिसमें सी से लेकर फॉरेस्ट के नेचुरल साउंड्स आप सुन सकते हैं और खुद को कर सकते हैं रिलैक्स। एक डीप स्लीप ले सकते हैं योगा करते वक्त, रिलैक्स करते वक्त या फिर सोते वक्त। ये आपको नेचर के सूदिंग साउंड्स सुनाकर आपको एक काफी पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप भी काफी ज्यादा शोर के बीच रहते हैं तो सोल से आप अपने घर में ही नेचर के वही सूदिंग एंड कामिंग साउंड्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर किस बात की है, इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए एंड एंजॉय करिए, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।